कंजरियां नचदियां ते बुढड़े ट्रैक करते नजर नहीं पैंदी। हुण गो गोई सुभान अल्लाह दी वारी पैंदा उच्ची आवाज। मैं ओ सुभान अल्लाह खवावणा राती सुत्ते पए खराकियां दी जगह ते मुंह च सुभान अल्लाह अम्मी भी खुश हो जाके जो मिला दे जी आई नींद रे जी रब दे जिक्र नु जुड़े इस वालियम पे सुभान अल्लाह। ए बखर दा एक मुल्ला वो आदा हुजूर रोजे में है ही नहीं माजल्ला मर के मट्टी में मिल गए रोजा खाली है। मैं आका कमला टब्बर इस 70,000 फरिश्ता रब महबूब दे दरवाजे ते दिने भेज दे 70,000 फरिश्ता रात नु भेज दे ते जे महबूब रोजे च है ही कोई ना ते रब उत्तू तल्ले फरिश्ते भी देंदा के सुभान अल्लाह। मेरा हक तो बन गया और मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया से गूंज रहा है कि अगर लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नारा सहाबा नहीं लाया चिश्ती दा खून माफ गोली मार दी और अगर लब्बैक दा नारा सहाबा पाक लाए तो मौलवी जी तुसी दीवारा ते लिखते हो नौकर सहाबा पाक दा हुन नौकरी तुहाडे प्यो करनी। आओ सुनिया दे नार रल के लब्बैक दा नारा मारो ताकि यहूदियां कादियानियां ईसाइयों नूं पता चले कि नबी दे गुलाम लब्बैक हुजूर दी अज़मत दे झंडे तले इक किन इक किन इक किन इक किन लब्बाई 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 कि या रसूल अल्लाह लब्बाई लब्बाई अच्छा वैसे गौर फरमाओ ये दूसरे मजहब आलियां दे नारे लुंदे मसलन शेखुल हदीस इलम दे ट्रांसफार्मर नारा मार दें ताज तख्त खत्मे नबूवत जिंदाबाद। मैं कह मौली जी नारा नाकिस है कह लगा किवें मैं कह ताज भी जिंदा तख्त भी जिंदा ते ताज वाले महबूब नु कहंदे हो माजल्ला मर के मिट्टी च मिल गए। मौली जी मौसूफ के बगैर सिफत नहीं होती जौहर के बगैर अर्ज नहीं होती। ताज तख्त खत्मे नबूवत जिंदाबाद मानना है तेरे बाप को भी मानना पड़ेगा। हुजूर रोजे में जिंदा हो जावेद मौजूद है काना युसल्ली बे अजान इकामत रोजे पाक में बकायदा अजान भी होती है जमात भी होती है सरकार जमात कराते हैं आलम। हुण तुहानू अंदाजा हो गया अब थोड़ी जी तकरीर कर ले मौलियां नु वाह के नहीं वेखीदा तकरीर सुनी दी उच्ची आवाज सुनिया दा नारा ताजदार जिसमें सिफत भी है मौसूफ भी। अच्छा बस सुनिया दे शेर दी ताकत वेखी ले अमीरुल मुजाहिदीन जिंदा हान तो पूरी दुनिया के काफरां दे बादशाह हला दिते अमरीका दा ड्रामा ला दिते हुण मजारे च वञण तो बाद भी शेर दी ताकत वेख जो चाचे इमरान नु भी टेलीविजन ते आके आखना पिया कि मैं लब्बैक वाले नाल सुलह करना ए सुनिया दे शेर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 एक हदीस शाने आले बैत दी एक शाने से आपा पाक साडा मसलक ना काना ना भेंगा ना लूला ना लंगड़ा सुजा का मसला। इमामो लंबिया नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया इदा अराद अल्लाह बिअब्दिन खैरा अल्का हुब्बा सहाबी फी कल्बे। अल्लाह जिसनू जंती बनावना चाहे ओदे दिल के अंदर मेरे सहाबा की मुहब्बत पा दे। फिर हदीस सुची हदीस हां जी बरेलवी सलोड़े मलोड़े नहीं सुनिया दे तालिब इल्म हदीस पढ़ते कुरान। इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया हुब्बु अबी बकर यूजिबुल गुफरान मेरे अबू बकर दी मोहब्बत अल्लाह दी बख्शिश नु वाजिब कर दी है। हुब्बु उमर यमुल इसियान मेरे उमर दी मोहब्बत तुहाडे गुनाहां नु मिटा देंदी है। हुब्बु
حب عثمان یقبل ایمان، میرے عثمان دی محبت تہاڈا ایمان مضبوط کر دیئے، حب علی یخمد النیران، میرے علی دی محبت جہنم دی اگ بجھا دے۔ عمدت التحقیق فی بشائر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دے اندر بھی موجود ہے حدیث، اور جامع المعجزات اردو او دے وچ بھی موجود ہے۔ مدینے پاک وچ دو بندے لگے تے کتی پٹ لیا، کٹ لیا، پلی لے گئی گوشت چھک وچ، حضور کول گئے، سونے اسی تے سنیا با مدینے پاک دے کتے بھونک دے نہیں تے اس تے پنڈی کٹ لئیے، سونے فرمایا پوچھ لینے ہیں کیوں وڈھیا سو، سونے آئے یا ایو القلیبا او تینوں کی ہو گیا، اے بندے دو ننگے وڈھ لئی آئی پٹ لئی آئی، اس کے سونے جانی جان آپ ہو مل تواڈے۔